तो और भाई के क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रॉम पॉइंट टिक गन का चैलेंज। उसका प्रॉपर्टी क्या नाम है मुझे तब फाइनल पता नहीं है। तो नीचे उतर जाते हैं, लैंडिंग हो चुकी है, आप देखते हैं गन ढूंढना। तो तुम लोग को पता है अभी गन मिलेगी नहीं, बट जब गन मिलेगी तो मैं वीडियो बता दूंगा, अभी के लिए कट। सो हमें सामने गन मिल चुकी है, गन ले लेंगे के बाद तुम्हारे भाई को भी चाहिए बंदी। अब बंदी भी तुम लोग को पता है, तुम लोग यही सोचोगे कि मैं कर दूंगा वीडियो को एक और बार कट। लो जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो, मैं कर दूंगा वीडियो को कट, क्योंकि भाई मेरे पास तो नेट है, मेरे पास वाईफाई है नहीं जो मैं वीडियो बड़ी बड़ी लंबी करूँ और तुम लोग का भी टाइम वेस्ट करूँ। सो चलिए वीडियो करेंगे हम कट। उससे पहले छोटी सी एक बात बता दूँ, जो भी चैनल पर पहली बार आया तो चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। और भाई आप में से बहुत से बंदे ऐसे जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो। सो वीडियो आ गया, हम सामने मेरे बंदा दिख चुका है मुझे, क्लॉक टावर पे आ चुके हैं, क्लॉक टावर पे एक बंदा दिखा है मुझे। अब देखते हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं। सो हम आगे जाते हुए और बंदा हमारे सामने होते हुए, ओ भाई बंदा दो शॉट में मरता। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से वो बंदे को और किसी का भी डैमेज था, तो चलिए देखते हैं किसका डैमेज था। पहले उसकी पेटी लूटने के लिए जाते हैं, वहाँ शायद हमें कोई बंदा मिल जाए। तो हम वहाँ पर जाते हुए देखते हैं यहाँ पर क्या फालतू चीज़ पड़ी है, SMG स्नाइपर क्या क्या है। ओ भाई सामने ब्लैक ईगल पहनते हुए काफ़ी तगड़ा डैमेज हमें देते हुए बंदा आ गए। हम भी हार ना मानते हुए उसको मारते हुए और बंदा ख़त्म। बंदे का काम फिर से एक और का तमाम, और उठक बैठक करते हुए मेडिकेट मारते हुए। सो चलिए मेडिकेट मारना ख़त्म, अब इसको लूट लेते हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो लूट ले भैया, Level 3 का हेलमेट ले ले भैया, और क्या है भाई। चलो मेरे बाउंड्री में क्या काम की चीज़ मिली है देख लेते हैं। बाउंड्री में सब बेकार सी चीज़ें, सिर्फ Level 2 का वेस्ट था, वो भी मेरा डैमेज हो गया था इसलिए लेना पड़ा। और मुझे एक गन जो है तो एक और मिल चुकी है, डबल गन चलाए गए हम। तो ठीक है, डबल गन में काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। मैं अभी साइलेंसर लगाया नहीं, साइलेंसर लगाने के बाद भाई क्या ही आवाज़ आती है, ग्लू व्लू फोड़ लेते हैं। फुट जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, सुना था फुट जा सिम सिम, पहली बार सुन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ वीडियो में सोच रहा हूँ काट लेता हूँ थोड़ी, फिर बंदा और मिला तो बताता हूँ, ठीक है। सो वीडियो में मैं पिक की तरफ आ चुका हूँ, पिक की तरफ आने के लिए देख लिए हमने सामने बंदा जो कि गाड़ी लेके आ रहा है, उसकी गाड़ी हम तबाह करेंगे। कर ले भाई, काफ़ी सही डैमेज एक गोली का है ये भाई, मुझे ठोक दिया है एक गोली का, एक गोली बैड है यार, रिकवर बहुत होती है ये पे भाई, मारना दे। बहुत भाई मेहनत से वीडियो बनाया हो, कसम से ना दो वीडियो बनाए हो, जब जाके एक वीडियो सही बनी है जिसमें बोया हुआ है, बाकी दो या तीन वीडियो बनाए हो, मैं सही बता रहा हूँ। चलो देखते हैं अभी क्या सीन है। इसकी गाड़ी तो बहुत ही स्टाइलिश दिख रही है यार, इसके पास साइलेंसर ले लेते हैं, साइलेंसर हम एक गन में लगा लेते हैं, अब मजा आएगी ना भाई साहब, क्या ही बोले कत्ता ही जहर। तो कमेंट्री करने में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, कमेंट्री मैं पहली बार कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताना और वीडियो को काफ़ी शेयर करो। बहुत एडिटिंग पे मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने इतना मेहनत किया, बाकी अभी तक कोई वीडियो में इतना मेहनत नहीं किया, कर रहा हूँ भाई मेहनत पर, ये पहली वीडियो जिसमें ज़्यादा मेहनत हुई है। तो चलो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है बंदे, और देखते हैं अभी हम आ चुके हैं बीमा शक्ति की साइड जाते हुए, देखते हैं बंदे हमें मिलते हैं कि नहीं, बंदे मिले तो फिर उन लोग का भी काम तमाम कर देंगे और क्या। अरे सामने ड्रॉप की साइड बंदा था, मैंने उसको डैमेज भी दिया। ये बंदा कहाँ गया, ड्रॉप की साइड ले ला, उड़ जा, मेरे पास वो है ग्रैंडर पर उससे उड़ ही नहीं रहा, हाँ उड़ा। सोच लिए अभी बंदा मुझे पक्का डैमेज देगा, हाँ पक्का देगा, एक गोली का तो डैमेज देगा, क्या नोबड़ा बंदा डैमेज दिया मेरे को लगा ही था। और इसकी लूट लेते हैं अभी, देखते हैं इसके पास कहाँ कुछ चीज़ है कि नहीं। Level 4 का वेस्ट इसके पास सही है, इसका वेस्ट ले लेते हैं और रिपेयर कर लेते हैं इसको। चलो फिर से हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। मैं सोचा वीडियो को नहीं, हाँ कहीं बंदा मिल गया तो वीडियो कट नहीं करेगी, अगर बंदा नहीं मिला तो वीडियो को कट कर लेगा, क्योंकि तुम लोग को तो पता ही है जो होता है वही होता है और तुम लोग का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो चलो देखते हैं। सो आगे बंदा है क्या नहीं, अगर भाई बंदा रहा तो ही मैं वीडियो कट करूँगा वरना नहीं करूँगा, ठीक है, तुम लोग का ही फ़ायदा है। सो मैं तो सोच रहा हूँ आगे वीडियो कट कर लेता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता लेता हूँ भाई, कमेंट्री अगर मेरी अच्छी लग रही होगी तो कमेंट में बताओ, वरना मैं अगर कमेंट्री अच्छी नहीं लगी तो मैं कमेंट्री नहीं करूँगा, मैं सिर्फ साउंड डालूँगा। तो चलिए वीडियो कट कर लेते हैं।
लोग कट करने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं भाई सेंटोसा की ओर, सेंटोसा नहीं यार रीमनाम विलेज की ओर, मैं भी गलत नाम ले रहा हूँ, रीमनाम विलेज की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा था, आई थिंक यहीं का एक बंदा होना चाहिए, ऊपर है घर के ऊपर, हाँ वो देखो दिखा सामने, सामने बंदा। यहाँ तीन लैंडमाइन है जो कि हम सेट कर देंगे काफ़ी बढ़िया तरीके से, नोबड़े वाली हरकत पहली हो चुकी है, लैंडमाइन ना फूटे हमारा, वो बैठ गया है टाइम पे मैं भी। सो आगे बढ़ते हुए और बंदा हमारे ऊपर है, एक नेट करेंगे काफ़ी टट्टी सा नेट जाते हुए, फूट जा, काफ़ी सड़ा नेट गया है मेरा। यहाँ वहाँ घूमेंगे थोड़ा, बंदे को नीचे आने देंगे, अपन ऊपर रश नहीं ले सकते भाई काफ़ी, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, कभी बुया नहीं हुआ, खाली टाइम वेस्ट होएगा अपना और ज़्यादा कुछ नहीं होएगा, और फिर एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, ऐसी बहुत वीडियो, दो वीडियो बना चुका हूँ भाई मैं, ये तीसरी वीडियो है मतलब मेरी, दो वीडियो ख़राब गई है। हाँ बंदा नीचे आ गया है भाई, हेड ही नहीं लगता, ऐसे ड्रैग ही नहीं होती है गन से, लग जाए गोली। हाँ बंदे का काम तमाम, एक और बार से। सो अमित भाई की मैंने वीडियो देखा था, अमित भाई ने भी इसका चैलेंज करे थे, तो मैं सोचा क्यों ना अपन भी इसका चैलेंज करे, तो मैंने भी इसका चैलेंज कर लिया है। वाह भाई बंदे को अपने लैंडमाइन से 187 का डैमेज बैठा, जो कि अपना काफ़ी गर्व की बात है। तो चलो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद देखते भाई बंदे ने दो दो ग्लू वॉल लगा लिया, हम हमारा ग्रेनेड फेंकते हुए और फटाफट नीचे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है बंदा नीचे ना चले जाए, इसलिए हम ऑलरेडी पहले से नीचे चले जाएंगे। और यहाँ सामने बंदा काफ़ी डैमेज है, इसलिए वो भाग रहा है, वरना भागता नहीं हो, बंदे को भी काफ़ी डैमेज है भाई साहब, मर जा। और बंदे का काम एक और बार से तमाम, तो देखते हैं आगे अभी कितने बंदे अलाइव है भाई। अभी सिर्फ एक बंदा बाकी है, उसको तो हेडशॉट बैठना ही बैठना है मेरे ख्याल से। हाँ भाई यार उसको हेडशॉट, अगर भाई उस बंदे को हेडशॉट बैठा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करे बगैर जाना नहीं। अगर उस बंदे को हेड लगा तो भाई प्लीज़ यार इतना कर लेना, अगर उस बंदे को हेड लग गया तो लाइक और शेयर करे बगैर चैनल को जाना नहीं है। वो देखते हैं कहाँ है वो बंदा, ढूंढ लो वो कहाँ चले गया मेरा भाई, मिल जाए इससे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं थोड़ा थंबनेल में लगाने के लिए। वो मिल गया, हाँ देखो वहाँ से मुझे मार्क मिला है बंदे का, देखते हैं वहाँ है कि नहीं। हाँ देखो सामने बंदा, और नहीं लगा शॉट, एक शॉट नहीं लगा, अरे नहीं लगा यार, नहीं लगा, हेडशॉट ही मारूंगा मैं उसको, हेडशॉट ही मारना है उसको, और बाकी कुछ शॉट नहीं मारना है उसको, खाली हेडशॉट मारना है। सो देखते हैं उसको हेडशॉट बैठता है कि नहीं, वेस्ट रिपेयर कर लेते हैं, वेस्ट रिपेयर करने के बाद ओपी हेडशॉट। तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए टाटा बाय।